हेलो दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर यूनिवर्सिटी द्वारा सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2018-21 पार्ट टू और 2019-22 पार्ट वन दोनों सेशन के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है यूनिवर्सिटी द्वारा। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। जितने भी छात्र 2018-21 के इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ 2019-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं दोनों सेशन के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। एक एक करके मैं सारी जानकारी आप दोनों सेशन के स्टूडेंट्स को बताऊँगा। जी हाँ, 2019-22 पार्ट वन के छात्र और 2018-21 पार्ट टू के छात्र दोनों छात्रों के लिए आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ठीक है। सबसे पहला सवाल, जी हां दोस्तों, पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि सर 18-21 पार्ट टू और 19-22 पार्ट वन दोनों छात्रों ने मिलकर सवाल किया है। जी हाँ, 2019-22 पार्ट वन के छात्रों ने भी सवाल किया है और 2018-21 पार्ट टू के छात्रों ने भी सवाल किया है। दोनों सेशन के छात्रों का एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सर एग्जाम फॉर्म हमने जो भरा है उसकी सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाय द वे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलतियाँ कर दिए हैं, एग्जाम फॉर्म भरने में गलती कर दिए हैं, उसका सुधार को लेकर लगातार स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि सर सुधार होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बता दूं, हमारे चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपडेट भी अपडेट मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दे दी जाती है। तो दोस्तों, चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा उसको भी दबा दो कि आने वाली पूरी जानकारी मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिले। अब चलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट सवाल है उसको, उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। दोस्तों, पहला सवाल जो स्टूडेंट्स का लगातार आ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि पार्ट वन और पार्ट टू का सुधार होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स का डायरेक्ट एडमिट कार्ड और परीक्षा लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, सुधार की जहां तक बात है मैं इस पर भी आता हूं, लेकिन पहले आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज से जब कुछ दिन पहले जब एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा था तभी एक न्यू सूचना जारी हुआ था जो मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने जारी किया था और उन्होंने साफ स्पष्ट किया था कि यदि अगर आपसे एग्जाम फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलतियां होती है तो उसकी उस गलतियों को आप लोग एक एप्लीकेशन नामा लिखकर अपने अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आप लोगों का ऑनलाइन सुधार नहीं होगा, अब डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड और आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स का गलती हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भरते हैं जिसमें उनका नाम गलती हो जाता है, फादर नेम गलती हो जाता है, मदर नेम गलती हो जाता है, या उनका डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है, विषय सेलेक्ट करने में बहुत सारी कमियां हैं, जो मतलब गलतियां हो जाती है, ये मतलब नॉर्मली है, कोई एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि एग्जाम फॉर्म का सुधार जो है नहीं होगा ऑनलाइन, ठीक है। अब डायरेक्ट आप लोगों को जाकर एग्जाम फॉर्म का जो सुधार है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन नामा लिखना है जिसमें एप्लीकेशन नामा में जो भी आपने गलतियां की है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने में, उस एप्लीकेशन नामा में वो गलतियां लिख दीजिए। जैसे कि आपका नाम गलती हुआ है तो आप अपना एप्लीकेशन में नाम लिख दीजिए, अगर डेट ऑफ बर्थ गलती हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मदर का नेम यानी माता का नेम या पिता का नेम गलती हुआ है तो वो लिख दीजिए, जो भी गलती हुआ है उसको लिख कर एक एप्लीकेशन नामा में ले जाकर कॉलेज के हेड अधिकारी को दे दीजिए और उनको बता दीजिए, ठीक है, कि मेरा ये गलतियां हुआ है। अगर आपका जो भी गलतियां हुआ है उस कॉलेज द्वारा आपको सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसमें सब कुछ सही सही आएगा, ठीक। ये तो सवाल स्टूडेंट्स का जो पहला सवाल था, इस पर हमने ये वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी है। ये वीडियो आपको कैसी रही, अभी रुकिए रुकिए कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं और भी इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं पहला सवाल आप सभी स्टूडेंट्स को, जो आपका सवाल था सुधार को लेकर, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप एक एप्लीकेशन नामा लेकर अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करिए और वहाँ पर जमा कर दीजिए, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स का यहाँ पर दूसरा सवाल,
कि सर एडमिट कार्ड और परीक्षा कब से होगा, ठीक है। दूसरे सवाल पर हम आएंगे, उससे पहले हम आपको ये बता दें, यदि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ सभी स्टूडेंट्स, कि आने वाली पूरी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों चैनल पर न्यू यूजर हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाली पूरी नोटिफिकेशन के साथ वीडियो डाली जाती है चैनल पर, तो आपको सबसे पहले उसका जो नोटिस है आपको मिले, ठीक है, वीडियो का नोटिस जो है आपको मिले। अब हम बात करते हैं परीक्षा और एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड और परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी है, ठीक ना। मैं आपको बता दूं कि शुरू हो चुकी है, मगध यूनिवर्सिटी थोड़ी देरियां कर रही है, थोड़ा देरी हो रहा है, लेकिन आपका काम जो है चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आप ही का काम चल रहा है, 18, 21 और 19, 22 पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का काम चल रहा है, ओके। अभी देखिए, मुहर्रम के कारण आप लोगों को पता होगा कि मुहर्रम था, मुहर्रम के कारण जो है 2 दिन यूनिवर्सिटी बंद था, ठीक है, 2 दिन यूनिवर्सिटी बंद किया हुआ था, बीच में रक्षाबंधन आ गया, आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये बात कि आप ही लोगों का काम चल रहा है यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड और परीक्षा को लेकर। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड फाइनली कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों के वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा, और परीक्षा का जैसी परीक्षा कंप्लीट होता है, उसके बाद परीक्षा की तैयारी कंप्लीट होने के बाद आपका शेड्यूल जो है परीक्षा का रूटीन जो है जारी कर दिया जाएगा। तो 19, 22 और 18, 21 पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों छात्रों के लिए बेहद खुशखबरी है। आप लोग थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए, ठीक ना। जैसे ही आप लोग थोड़ा दिन इंतजार करोगे, आप लोगों को तुरंत इसके बारे में सारी जानकारी हम इसी चैनल पर मौर्य गुरु एकेडमी पर प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं उस एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों सभी स्टूडेंट्स को बताइए इस चैनल से ज्वाइन कर लें, ठीक है, कि आने वाली मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सबसे पहले आपको पूरी जानकारी इस चैनल पर मिलता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आप लोगों का जो सवाल था, बार बार आ रहा था, उस सवाल को हमने हल कर दिया है सुधार को लेकर। अब अगर आपका कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड, या कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो, आने वाली पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप लोग एक काम करें, सभी स्टूडेंट्स से फिर से मैं अपील करूंगा, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, ग्रुप चलाते हैं ग्रुप में शेयर करें, ठीक है, कि सभी दोस्तों को ये वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मालूम चलता रहे। तो दोस्तों अब यहीं से हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। यदि अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे मैसेज कर दीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।